अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सात तरह के लोग हमेशा मतलबी होते हैं, यानी सात लोग मतलबी लोग होते हैं। तो वो सात लोग कौन से हैं आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सात तरह के लोग मतलबी लोग होते हैं। नंबर एक, जो लोग मज़लूम बनने की कोशिश करते हों, उनकी पूरी कोशिश होती है कि ये आपको दिखाएं कि इनके साथ बुरा हुआ है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं होती। ये सिर्फ अपना काम करवाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। नंबर दो, यह लोग अपने मतलब के लिए आपकी ऐसी तारीफ करते हैं कि आपसे अच्छा दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं, और आपकी तारीफ करके ये आपको बहुत बड़ा बना देते हैं ताकि आपसे अपना काम निकलवा सकें। नंबर तीन, जो लोग रुतबे के हिसाब से आपसे बड़े होते हैं और कोई ऐसा काम जो आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, तो ये लोग आपको बातों में लेकर घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको आपकी मेहनत का मुआवजा कभी नहीं देते। नंबर चार, यह लोग आपकी इज्जत नहीं करते, बल्कि ये आपके उस काम की इज्जत करते हैं जो इनके लिए फ़ायदेमंद है, और अगर कोई काम आप नहीं कर पाते तो यह लोग आपको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, और ये आपको इस तरह काबू करते हैं कि अगर आप यह काम मेरे साथ मिलकर करोगे तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन असल में यह लोग तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। नंबर पाँच, ये लोग हर बात में अपने मतलब की बात निकालते हैं, बात चाहे जिस मौजू पर हो रही हो लेकिन घुमा फिरा कर सिर्फ वही बात करते हैं जो इनके जहन में चल रही होती है। अगर आपको लगे कि कोई आपकी बात को अहमियत नहीं दे रहा है तो समझ जाना कि यह शख्स मतलबी शख्स है। नंबर छः, जब आप इनका काम कर देते हैं तो ये लोग आपकी वो इज्जत नहीं करते जो पहले किया करते थे, यानी काम होने के बाद आपकी इज्जत इनकी नज़र में मामूली हो जाती है। ऐसा शख्स भी मतलबी होता है। और नंबर सात, ये लोग अपनी ज़िंदगी में सुस्त होते हैं और मेहनत करने से भागते हैं, और इसलिए उनकी कोशिश होती है कि इनके सारे काम कोई और करे, लेकिन ये लोग अपनी सुस्ती को छुपाते हैं और कहते हैं कि हमसे मेहनती तो कोई है ही नहीं। ऐसे लोग भी मतलबी लोग होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।